नमस्कार। आज बड़ी खुशी की बात है कि मैं हिंदी के बहुत प्रसिद्ध कवि और कथाकार अपने प्रिय कवि उदय प्रकाश जी के घर पर हूँ। और आज 17 अगस्त शनिवार की सुबह है और उनका आग्रह है कि मैं कुछ कविताओं का, छोटी छोटी 3-4 कविताओं का पाठ करूँ, 4 कविताओं का। तो मेरा एक संग्रह आया है अंजोर, छत्तीसगढ़ी, मूल छत्तीसगढ़ी कविताएं हैं। तो पहले मैं 2 कविताएं मूल छत्तीसगढ़ी में पढ़ता हूँ और उसके बाद हिंदी कविता संग्रह एक सूरजमुखी के खेतों तक, इससे 2 हिंदी कविताएं। तो अंजोर की पहली ही कविता है प्यास। कभू दाहरा तीर जाथों, कभू नदिया के तीर, कैसन है प्यास है, ये प्यास नहीं बुता है। समुद्र तीर जाए बर सोचतूं, मगर खर है ओखर पानी। भुइया लखनथूं तो पानी ओगर थे, पानी ल पीथों तो देह जुड़ा थे, जीवरा मा बरत रथे आगी। फूल के रस ला फूल चुहकी पीथे, आंसू ला पीथे महतारी, मइनसे के लहू ला टोनही चुहक थे, गौटिया हा पीथे गरीब के पसीना। कौन पानी ला पियो के मार जाए मोरो प्यास, कौन रद्दा जाऊं तै मोला बता दे, कौन गाँव कही दे संगवारी। कुंवार के घाम मा देहे करियागे, भुंजागे सब्बो बन कांदी, अंतस के दोना मा माया के पानी, एक घुटका पी लेते हूँ तो तर जाते हूँ, कैसा ने प्यास है, कभू दाहरा तीर जात हूँ, कभू नदिया के तीर, ये प्यास नहीं बुताए। दूसरी कविता है पाहुना। कौन गांव ले आवत हस बेटा, पूछा थे दाई, रोहिना के सिंह देही, कुगदा के परसदा, लखना के हदबन, कौन गांव ले। जरा थे भोमरा, तपत थे सूरज, सरी मंझनिया जेठ के घाम, पानी पत्ता पाना घलोक डोलत नहीं है। रोक दे गाड़ी, बांध दे बैला मल्ला, दे दे पैरा, पियन दे पानी कोटना के, तहूँ थिराले घड़ी भर लीम के छैया मा, पी ले लोटा भर करसी के पानी, दनका थे धरती फिर जुड़ाए है माटी के कुरिया, ठंडा है पानी माटी के हंडिया मा, खा लेते बटकी भर बासी, और नून चरा अचार के चानी, फिर बढ़ते आगू सरी मंझनिया जेठ के घाम, कौन गांव ले आवत हस बेटा, रोहिना के सिंदेही। और अंत में एक बहुत छोटी सी कविता है मनुख। चिरैला झन मारो, चिटराला झन मारो, झन छुओ अधरतिया फूल, कतेक चोला बदल के मिले है ये चोला, मनुख के गीत गाओ, मनुख ला झन मारो। मोर जात तोर धर्म, मोर देव तोर चौरा, ऐसे अलगाव झन, धर्म ला बचाए बर, मनुख ला झन मारो। सिमसाम जंगल मा फूले है परसा, फूले है परसा फिर बिलखत है धरती, बिलखत है धरती के, मनुख ला झन मारो, मनुख के गीत गाओ। तो ये अंजोर से 3 कविताएं थी मूल छत्तीसगढ़ी में। अनुवाद मैं इनका नहीं पढ़ रहा, आसान बोली है, आप लोग समझ जाएंगे। और अब ये सूरजमुखी के खेतों तक 11 साल बाद मेरा हिंदी कविता संग्रह आया है। अंजोर भी पिछले साल की किताब है। तो इसकी मैं आरंभिक 2-3 कविताएं छोटी छोटी हैं, पढ़ देता हूँ। गणित। बचपन से गणित कमजोर है, अधिक लौटा देता हूँ कब कम लेकर,
घाटे में रहता हूँ संसार के व्यापार में, फिर भी रोज रोज के धोखे और छल से कुछ सीखता रहता हूँ। सूर्य से जुगनुओं को घटा देता हूँ तो चंद्रमा हासिल आता है। अर्थशास्त्री कहते हैं, मनुष्यता को घटा दो पूंजी से, मगर मैं पूंजी से मनुष्यता को जोड़ देता हूँ तो पूंजी हाथ से चली जाती है, घाटे में रहता हूँ। ओ मेरी सभ्यता के आकाओं, जीवन को कितना गणित और भौतिक बना दिया तुमने, जबकि यह प्रत्येक बार एक कला है। अश्रुपूरित नयन में स्वप्न का इंद्रधनुष, अश्रुपूरित नयन में स्वप्न का इंद्रधनुष। पत्थर को मिलती है हजार बरस उम्र, पत्थर को मिलती है हजार बरस उम्र, फूल को एक दिन। भले लोग संसार में थोड़े समय के लिए उतरते हैं, देवदूतों की तरह सौ सौ बरस जीती हैं हिंस आत्माएं। अच्छी चीजें नष्ट हो जाती है कहने की बजाय यह कहना अधिक ठीक होगा कि अच्छी चीजें नष्ट कर दी जाती हैं। एक बुरी कविता के बाहर कुछ बहुत अच्छे शब्द अंधेरी झाड़ियों में पड़े जगमगाते रहते हैं। एक बहुत बुरे संसार में जगमगाती रहती है मनुष्यता, फिर एक दिन उसकी भी ज्योत कम हो जाती है। बुरे दिनों के पंखों पर उड़ते हैं अच्छे दिन, और एक दिन वे गिरते हैं अपनी उड़ान से नीचे, आखिरी उड़ान भरते हुए। पत्थर को मिलती है हजार बरस उम्र, फूल को एक दिन। अंतिम कविता है इस कविता पाठ में, देवी। पहाड़ पर देवी का मंदिर था, हमने जूते उतारे, हाथ मुंह धोए और देवी के दर्शन किए। लौटते हुए एक बूढ़ी स्त्री दिखी, सिर पर लकड़ियों का गट्ठर लिए, नंगे थे उसके पांव धूल में अटे हुए, आंखें सजल पर माथ उठा हुआ उन्नत गर्बीला, चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट, बार बार हार कर जो एक छोटी सी विजय के बाद भी आ जाती है। बाघ डुकरते थे उसके चारों तरफ और वो बीनती थी लकड़ियां, धूप में चमकते थे उसके पटसन जैसे बाल। वह भी एक देवी थी, निर्वासित अपने देवालय से, जो शराबती न थी संसार को, बस असीस्ती रहती थी। हमने जूते नहीं उतारे पर देवी के दर्शन किए। धन्यवाद। बहुत अच्छा।